Assalamualaikum, dear Smini here. और आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस ओवर की. वॉइस ओवर बेसिकली कोई भी ऑफ स्टेज कमेंट्री को कहा जाता है, जैसा कि आप अक्सर कार्टून्स में देखते हैं बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होती है, दिस आर नोन एज वॉइस ओवर्स. आप अक्सर एड्स में देखते हैं, कमर्शियल में देखते हैं, आवाज़ आ रही होती है बैकग्राउंड में, आगे कुछ और सिनेरियो होता है, तो उसको कहते हैं वॉइस ओवर. और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ एड्स ऐसी होती है जिनके अंदर मोशन ग्राफिक्स यूज होते हैं एंड स्टिल इट्स अ वॉइस, लाइक डू यू नीड अ लोगो और एनीथिंग. तो जैसा कि बहुत फेमस एड्स हैं Wix.com की और इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि अपनी YouTube पे एड्स चलाती हैं, और उनके अंदर भी what they are doing is के दे आर टारगेटिंग द मोशन ग्राफिक्स और उसके ऊपर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करके वॉइस लगाते हैं, राइट, विच सेव्स देयर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड दे मेक देयर प्रोडक्ट मोर इफेक्टिव, राइट. क्योंकि अगर आप मुझे जैसे सुन रहे हैं, ठीक है ना, आपको कोई ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा है, यू मेक इट बोर सम टाइम, लेकिन अगर तो आपको ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, यू विल लिसन इट, ठीक है ना. लेकिन जैसा कि कुछ एड्स होती हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके एड जो उनसे हर किसी को फ़ायदा पहुँचाए, तो इसलिए समटाइम इट्स बेटर कि वो इसको ऊपर लगाया जाता है और आगे कुछ और सीन दिखाया जाता है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफेक्टिव, राइट. अब इसको अट्रैक्टिव और इफेक्टिव कैसे बनाया जा रहा है, वो इस तरह बनाया जा रहा है क्योंकि एक यूज़र वो दो तरह से एंटरटेन हो रहा है, राइट. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप बस यही मेरा और आपका सिर्फ बात का कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट्स इट, राइट. अगर मैं इस वीडियो में ग्राफिक्स डाल दूँ और साथ में आपको वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, राइट, उससे आपका जो सा है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आप मोर एंटरटेन होंगे, ठीक है. इस तरह से और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए वॉइस ओवर यूज़ किए जाते हैं, और इसको करने के लिए आपको एक माइक्रोफोन चाहिए होता है, ठीक है. लेकिन अगर तो आप न्यूबी हैं तो आपको माइक्रोफोन की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यू डोंट नो वीदर इट विल बी गुड फॉर यू और नॉट, राइट. तो सबसे पहले तो आप अपने कैमरा रिकॉर्डर से और अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसी वॉइस ओवर्स बनाएं, कुछ फ़न के लिए बनाना शुरू कर दें वॉइस ओवर्स, किसी की मेमिक्री करने लग जाएँ, कोई छोटी सी एड्स बनाएँ, कुछ ऐसा करें कि एक आप बनाएं कमर्शियल एड, राइट, ऐसे कि क्या आपको ये चाहिए, क्या आप परेशान हैं, एनीथिंग लाइक दिस, राइट, डू यू नीड समथिंग और इस तरह से, ठीक है ना. और इसके अलावा ऑन द अदर हैंड, ठीक है, आप क्या करें कि आप किसी करेक्टर की करेक्टर को फॉलो करें, राइट, और किसी गेम करेक्टर के आवाज़ निकालें, ठीक है ना, उसका वॉइस ओवर करें, ठीक है, टू गेट क्लाइंट्स, राइट. तो सबसे पहले तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, अर्निंग करनी है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है बिकॉज विदाउट पोर्टफोलियो यू आर नथिंग, ठीक है ना. तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप छोटे छोटे क्लिप्स क्रिएट करें जो कि आपका फ़ायदा दें. आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद चाहिए होगी जिससे आप बेहतर से बेहतर अपनी वॉइस को बना सकें. उसके अंदर है ऑडियो सिटी और विंडोज़ वॉइस रिकॉर्डर. आई विल प्रेफर कि आप विंडो वॉइस रिकॉर्डर यूज़ करें फॉर इनिशियल, क्योंकि आपकी अर्ली स्टेज है, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करें इन चीज़ों के साथ. आप सिंपली अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करें टू मेक द रिकॉर्डिंग और विंडोज़ वॉइस रिकॉर्डर यूज़ करें टू एडिट इट, टू रिमूव एक्स्ट्रा नॉइज़ और समथिंग लाइक दिस. एंड आई प्रेफर जब भी आप प्लीज़ अपना वॉइस ओवर बनाएं तो स्टे अलोन, इवन फैंस भी ऑफ कर दें, और ताकि किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस मत हो. जो कि एक खास गलती है जो कि न्यूबीज करते हैं वो क्या है, वो ये है कि उनकी जो ब्रीथ की आवाज़ होती है, सांस की आवाज़ होती है, वो आ रही होती है वॉइस ओवर्स में, ठीक है. बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि मैं अक्सर मेरी अपनी कंपनी है शेख स्टूडियोज़, राइट, तो उसके लिए भी हम लोग अक्सर काम करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर यही इश्यूज आ रहे होते हैं कि जो न्यूबीज होते हैं या इंटर्नीज होते हैं वो यही गलती कर रहे होते हैं, बार बार उनका सांस या कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस या फैन की वॉइस, इस तरह की गलतियां करते हैं. उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है लेकिन हम उनके साथ काम नहीं करते, उसकी वजह यही है बिकॉज दे कैन नॉट ऑफर द बेस्ट प्रोडक्ट एज वी रिक्वायर, राइट. तो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज़ दूसरों तक बेहतरी से पहुँच सके, बिकॉज द अदर पर्सन इज पेइंग यू फॉर योर वॉइस ओनली, राइट. तो आप उसको वो वॉइस क्वालिटी में प्रोवाइड करें, ठीक है. मैं इसको समअप कर देती हूँ. आज मैंने आपको यही बताया कि हमारा जो नेक्स्ट स्किल था वो ये था वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए जैसा कि माइक्रोफोन वगैरह, लेकिन वो आप अभी मत लीजिए और अभी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए अच्छा बेहतर वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएं
और उसको विंडोज वॉइस रिकॉर्डर में एडिट करें और अपना पोर्टफोलियो के लिए अराउंड 5 to 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे बनाएं। जैसे एक आप ट्रैवल एजेंसी पे बनाएं, एक आप मेडिकल पे बना दें, राइट, एक आप कॉलेज की बना दें, एजुकेशन पे। इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टारगेट करें, एक आप स्टॉक एक्सचेंज पे बना दें टू मेक इट कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड आइडिया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर आप अभी तक किसी भी स्किल से नहीं आप एनहांस हो पा रहे हैं या आपको मेरा कुछ वीडियो में चीज़ नहीं अच्छी लग रही, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ताकि हम और बेहतर की तरफ जा सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।